एसएमएस न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। शराब के नशे में चाकू से गोद कर दोस्त को उतारा मौत के घाट, घर के सामने बैठे युवक पर हमला, आनंदगिरी को भेजा जेल। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। शराब के नशे में एक युवक ने अपने ही दोस्त को चाकू मार दिया, बाद में खुद ही उसे अस्पताल भी ले गया। उपचार के दौरान युवक की मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक दर्शन कॉलोनी निवासी तुषार सुरेश सिंह ठाकुर बताया गया। पकड़ा गया युवक श्रीनगर निवासी आकाश तारा चंद गौंड है। तुषार मनीष नगर के बिग बाजार में काम करता था। आकाश के पिता का टाइल्स का व्यवसाय है। मंगलवार की रात तुषार और आकाश को दारू पार्टी करनी थी। इसके लिए तुषार ने अपने दोस्त अरुण उर्फ राम अवस्थी के साथ संपर्क किया। अरुण ने वेंकटेश नगर में ही रहने वाली अपनी दोस्त के घर पर शराब पीने का इंतजाम किया। रात 11 बजे तक तुषार, अरुण, आकाश और युवती के बॉयफ्रेंड ने शराब पी। दूसरी खबर, मानकापुर के झिंगाबाई टाकली में घर के बाहर बैठे युवक को चाकू मार कर जख्मी कर दिया गया। मंगलवार की रात 19 वर्षीय राहुल बबलू सोमेवर अपने मित्र के साथ घर के बाहर बैठा था। उसे बस्ती के टुन्नी उर्फ मोनू शर्मा ने उसे बाहर क्यों बैठा है, घर में जा बोला। इसी दौरान मोनू ने उसे सिर पर चाकू मार कर राहुल को जख्मी कर दिया। तीसरी खबर, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी के कथित आत्महत्या मामले में आरोपी आनंद गिरी और आद्य प्रसाद तिवारी को बुधवार को स्थानीय अदालत में पेश किया गया, जिसने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। आनंद गिरी के वकील ने अदालत में जमानत याचिका पेश की, लेकिन न्यायाधीश ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट का अवलोकन करने के बाद और मामले की गंभीरता को देखते हुए जमानत याचिका नामंजूर कर दी। अदालत में जांच अधिकारी महेश सिंह द्वारा साक्ष्य के तौर पर दिव्यागंत महंत के दो मोबाइल फोन, मरने से पहले महंत नरेंद्र गिरी द्वारा बनाया वीडियो, नायलॉन की रस्सी, चाकू, 7 पन्नों का सुसाइड नोट प्रस्तुत किया गया। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उस पर रोजाना खबरें देख सकते हैं। लिंक्डइन, हाइक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। अब आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहें एमएनएस न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार। और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।